वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज के 7 पार्ट हो गए थे टाइप वाइज। आज टाइप है 20, 21। आज हमारा टाइप है 20 और 21 है। परसेंटेज के 7 पार्ट हो चुके थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह हमारे चैनल वी स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले क्या करना है आपको, पहले परसेंटेज के सभी पार्ट देखना है, फिर हमारे पार्ट 8 आपको अटेंड करना है, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म, बेसिक चीज़ें, बेसिक फार्मूले, बेसिक चीज़ बताई गई है। अकॉर्डिंग हम फार्मूला तो यूज कर नहीं रहे हैं। बिन फार्मूले के क्या है, कुछ ये हमारे आर्थमेटिक चलेंगे, कहीं भी एक्स नहीं लेट करेंगे। ये सभी एग्जाम में आए हुए टाइप वाइज क्या है। इसके अलावा परसेंटेज में टाइप वाइज क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं, जैसे SSC CGL, SST 10+2, रेलवे, बैंक, CDS, सभी में क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे परसेंटेज के। क्या इनको हमें सही से पढ़ना है, टाइप वाइज पढ़ना है, तो माइंड में टाइप वाइज रखना है, तभी हमारा क्या होगा कि मैथ का डर खत्म हो जाएगा। ठीक, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये, महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये, तो उसकी मासिक वेतन कितना है, मासिक आय कितना है। इसके पहले वाले लेक्चर 7 में, पार्ट 7 में, परसेंटेज में हमने इस तरह क्वेश्चन करवाया है। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर इसको आप एक्स मान के करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा। और हमें क्या है, हमारा एग्जाम में केवल मात्र 30 सेकंड का टाइम होता है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आपने सही से हमारा मेथड फॉलो कर लिया, इसके कहते हैं कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैथ आती ही आती है, बुक लिए होंगे आप, तो हमारे जितने भी टाइप वाइज हैं, इसके आप वहाँ टाइप वाइज देखिए कि इस टाइप के क्या क्वेश्चन हमारे हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे तो हम सही पढ़ रहे हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन जो था, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है, उसका मासिक वेतन कितना है। अब क्या है, हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने 40%, 20%, 10% और 10% की हमने वैल्यू बताया है, कैसे आपको लर्न करना है। अगर आपने ये वैल्यू अच्छे से लर्न किया होगा तो आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो नए बच्चे ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं चैनल से, तो पहले का प्लेलिस्ट में जाकर, वी स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या लिंक जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दिया गया है। ठीक, क्या कह रहा था, 40%, 40% हमारा कौन सा भाग होता है, 2/5, कौन सा भाग होता है, 2/5। 20% कौन सा भाग होता है, 1/5। और 10% कौन सा भाग होता है, 1/10। और 10% और दिया है तो कौन सा भाग होता है, 1/10। अब हम हमने बताया था इनको रिलेट करना होता है, उसके हम मासिक आय हम मान लेंगे। कुछ कैसे मानेंगे, मानने का तरीका क्या, जो नीचे वाला है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे वाला का जैसे हमें एलसीएम लेंगे, या ऐसी नंबर डिलीट करना है कम से कम बड़ा नंबर, तो 50, 25, 25, 250 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, सभी क्या, अगर हम 10 मान लें, 50, 25, 25, 100, अगर हम 10 मान लें तो क्या होगा, 100 100, अगर हम मान लेट कर लेंगे तो 100 क्या नीचे वाला डिवाइड जा रहा है ना, ये चेक करना कहीं तो पॉइंट में तो नहीं आ रहा है, दशमलव में तो नहीं आ रहा मानने पर। तो हमने माना उसकी आय कितनी थी, 100 रुपये, कितने थे, 100 रुपये। ठीक, ये वैसे था। अब इधर देखें,
उसकी आय हमने मान लिया मासिक आय 100 रुपए थी, ठीक। मासिक आय कितनी थी? 100 रुपए थी। उसकी आय क्या है? मासिक उसकी आय मासिक 100 रुपए थी, ठीक। अब क्या करेंगे हम, जो मासिक 100 रुपए, तो इसका अब 40% निकाल लेंगे, लेकिन ये 40% जगह हम ये यूज कर सकते हैं, 2/5। अगर हम 100 का 2/5 निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, 20 × 5 = 40। अगर 40 का कौन सा पार्ट निकालेंगे हम, 40% भोजन पर, तो कितना निकलेगा हमारा, हमारा निकल आएगा 40 रुपए। 40, फिर क्या कह रहा था, ये भोजन पर है, ठीक। कह रहा था ये 20% घर पर, तो इसका 20% मतलब 1/5, 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 20। तो 20 रुपए हमारे किस पर, किराए पर, किराए पर। फिर 10% मनोरंजन पर, तो 10% इसका कितना होगा, 10 मतलब 100 का, 100 का अगर हम 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/10 से कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। फिर ये किस पर होगा, मनोरंजन पर। किसका हुआ, मनोरंजन पर। फिर कह रहा है 10% यातायात पर खर्च करता है, तो 10% 10 हो जाएगा, ये किस पर, यातायात पर। यातायात पर, ठीक। तो इनका टोटल कितना हो गया हमारा, 40, 60, 70, 80, टोटल हमारा 80 हो गया। बचा कितना होगा, बचत कितने किया होगा, हमने जो लेट किया था 100 था, यहाँ कितना हुआ, 80, तो कितना बचत किया होगा हमारा, तो 100 में अगर हम 80 घटा देंगे तो कितना बचत किया होगा, 20। क्या होगा हमारा, 20 हमारा क्या है, बचत किया होगा, क्या होगा हमारा, 20 बचत किया होगा। यहाँ कितने की बचत करता है, 1500 वाली, यहाँ कितना है, 1500। हमने लेट क्या किया था, जो उसकी मासिक आय थी 100 रुपए, कितना किया था हमने, 100 रुपए। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अगर इसको हम डिवाइड करके भी कर लेंगे लेकिन तब भी हमें 100 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इधर आ जाएगा, 100 वाली वैल्यू निकालना था, कितना हो जाएगी, 7500 रुपए उसकी क्या हो जाएगी, मासिक आय, क्या हो जाएगी उसकी, मासिक वेतन, यही क्या है, मासिक वेतन। फिर समझते हैं, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या है कि आपको वैल्यू लर्न करना है, फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पार्ट में, परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट में ये सब कुछ बताया गया है, आप पहले वो पार्ट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। क्वेश्चन क्या है, कौन सा भाग होता है, 2/5, 20% कौन सा भाग होता है घर के लिए, 1/5, 10% कौन सा भाग होता है, पहले हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद हम नीचे वाली संख्या को ऐसा मानेंगे कि सभी कैंसिल हो जाए, तो हमने क्या मान लिया, उसकी मासिक आय 100, कितनी उसकी मासिक आय 100, 100 को 40% मतलब 2/5 भाग इसमें भोजन पर कर दिए, तो कितना आ गया, 40% आ जाएगा। 20% इसका निकालेंगे कितना है, किराए पर 20% आ जाएगा। मनोरंजन पर 10% निकालेंगे, 10% आ जाएगा। फिर 100 का 10% निकालेंगे इस पर, हमारा यातायात मासिक यातायात यातायात पर, तो टोटल कितना आ गया, इनका सम करने पर 40 + 20 + 10 + 10, 40, 20, 60, 70, 80, बचा कितना होगा हमारा, जो हमने माना था 100 हो गए, कितना गया, 80, बचत कितनी हो गई होगी, 20 की, कितनी हो गई होगी बचत, 20 की, यही बचत क्या है, 20 वाली वैल्यू 1500 दिया है, क्या दिया हमारा, 1500। अब इसमें डिवाइड नहीं करना है, 20 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने माना था 100 100 आ जाए, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ 20, 500, 1500, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्या एग्जाम हॉल में बस इसी तरह आपको करना है, क्या करना है एग्जाम हॉल में, अगर आप प्रैक्टिस कर लिए, इसके बहुत क्वेश्चन परसेंटेज में दिए हुए हैं, कई बार आ चुके हैं, तो ये क्या करना है, टाइप वाइज करना है आपको, पर टाइप वाइज पढ़ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चन नहीं लगाना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाना है, ठीक। अब क्या है, अगला क्वेश्चन ये है एलिगेशन से, हमने इसके पहले फर्स्ट लेसन में एलिगेशन के बारे में बात किया था,
ठीक, कह रहा था कि एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% और महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन 9% कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। यहाँ ध्यान रखना, कुल जनसंख्या में ध्यान हमें देना है। ठीक, अब क्या करना है, पहले हम क्या कहते हैं कि पुरुष हैं तो पुरुष इधर लिखेंगे, इधर हम महिलाएं लिख देंगे। ठीक, पुरुष पुरुष है, महिलाएं, पुरुष मतलब पी से पुरुष, एम से महिलाएं, पुरुष ये वामेन लिख लो, मायन या वामेन, ये मायन है ये वामेन। मायन कितने हैं? 10 हैं और महिलाएं कितने हैं? 8%। दोनों की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 9 की, तो 9 बीच में लिखेंगे। क्या करेंगे हम, 9 हम बीच में लिख देंगे। अब इसको एलिगेशन कुल है तो क्या आ गया हमारा, एक और एक, एक पुरुष होगा एक महिला की संख्या आ गई, ये किसकी आ गई, पुरुष, कितनी आ गए पुरुष, ये क्या आ गई महिलाएं। ठीक, महिलाओं की जनसंख्या का रेशियो आ गया, क्या आ गया हमारा, जनसंख्या का रेशियो आता है तो रेशियो आ गया हमारा, तो दो वाली वैल्यू, या हम देखेंगे हम यहाँ से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम तक ये जो भी होंगे तो हाफ, मतलब जितने पुरुष होंगे उतनी महिलाएं होंगी हाफ हाफ, तो कितने थे 8,000, तो कितने हो गए, 4 पुरुष हो जाएंगे और 4 महिलाएं। अगर यही रेशियो हमारा अलग अलग आएगा तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 वाली वैल्यू कितनी है, यहाँ कितनी जनसंख्या थी 8,000, कितने हो जाएगी, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4,000, मतलब 4,000, फिर 4,000 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, 1 में करेंगे, फिर 4,000 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 1 में करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक, क्वेश्चन भी समझ लेंगे, देखेंगे कुल जनसंख्या है, ठीक है बीच में रखेंगे। अब हमने बताया था एक से बड़ी, इससे क्या है, मतलब कि क्या है कि इससे बड़ी है और इससे क्या छोटी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, दोनों ऊपर बड़ी बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो क्या था, 10 मायन थे, 8 वामेन थे, 9 क्या थे, ये थे, 9 को बीच में रख दिया, घटाया 1, 1 आ जाएगा, इनका इनका सम करके 2 वाली वैल्यू 8,000, 1 वाली वैल्यू 4,000, तो क्या है ये पुरुष को 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 4,000, ये क्या आ गया पुरुष आ जाएंगे और 4,000 ये महिलाएं आ जाएंगे, 1 × 4,000 महिलाएं आ जाएंगे। महिलाएं आ जाएंगे, क्या करना है आप लोगों को, क्यों नोट्स बनाने हैं, टाइप टाइप वाइज आपको लिखते चलना है, या जो हमारे जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन को लिखना है और टाइप लिखते चलना है, क्या लिखते चलना है, टाइप लिखते चलना है, क्योंकि इसलिए करा रहे हैं कि 4.5 से 500% क्वेश्चन है, बस इसके 20 या 21 ही टाइप हैं तो बहुत है, लेकिन मेन क्या है यही टाइप पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ईमानदारी से अपने कम्पिटेटिव एग्जाम की जो भी बुक लिए हैं वो अगर आप लगाएंगे तो पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल VSD में आप भेज सकते हैं, या हमारे कहते हैं कि उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, इम्प्रूव टाइप वाइज कौन से क्वेश्चन में समझ नहीं आया, तो हम दूसरा सेक्शन लेने का डाउट वाला सेक्शन लेके सेशन लेकर डाउट वाला सेशन लेकर हम क्वेश्चन करा देंगे। अब क्या है कि आज से ये टाइप वाइज परसेंटेज खत्म होता है, कल इसके इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन, उसके बाद हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे SSC हो, रेलवे हो, 10+2 हो, बैंक हो, एयरपोर्ट नानटेक हो, CDS हो, सभी में क्या है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाते हैं, एक या दो क्वेश्चन परसेंटेज का हर एग्जाम में रखा है, एक या दो क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस रखे हुए हैं, ये 4 चैप्टर हम लगातार पढ़ाएंगे, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, CI और SI,
और एशियन पॉपुलेशन, चार पांच चैप्टर क्या है एक दूसरे से बहुत ही रिलेटिव हैं, बहुत ही रिलेटिव हैं। बस आपको क्या करना है कि हमारे वीडियो को ईमानदारी से लास्ट तक देखना है और उन लोगों तक पहुंचाना है जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनको भी बताना है कि ये चैनल पर अच्छा कंटेंट। हाँ, वही कंटेंट बनाएंगे और पढ़ाएंगे हम जो रिलेवेंट है, इधर उधर कोई भी कंटेंट आपको नहीं दिया जाएगा कि आपको बस पढ़ते रहें फिर पेपर में कुछ आता ही नहीं है। नहीं, पेपर में आप पेपर उठाइए, जितने हमने टाइप बताया है आप वो टाइप को देखिए कि क्या हम कर पा रहे हैं, क्या वी स्टडी जो भी चैनल है वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ठीक, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसका आज हम क्या कहते हैं जो वी स्टडी में हम पिक उसकी भेज देंगे क्वेश्चन होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।